नंदू जी। जी जी मैडम। देखिए खाना एकदम वर्स्ट बेस्ट होना चाहिए, मेरी होने वाली बहू आ रही है, समझे? जाइए। जी मैडम। राजू चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जल्दी चलो। पंखुड़ी। जी मामी जी। पंखुड़ी तुमसे तुम्हें बहुत नाराज हूँ। क्यों? ये तुम्हारी इकलौते देवर की शादी है और तुम पूरी रात भर कमों की आती, बताइए आज सुबह से सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ा। सॉरी मामी जी, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ओके अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ संभालो, तब तक मैं पायल के रेक की तैयारी करती हूँ। अरे सब इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? एंड रूबल इज गॉन मैड। तुम भी इतना तैयार नहीं होती पंखुड़ी अपनी शादी में जितना वो तैयार हो रहा है। कायरा कायरा कायरा, जब तुम्हारी शादी होगी तो ये बात तुम्हारी समझ में अपने आप आ जाएगी। डैड मुझे पता ही था कि आप मेरी शादी की बात ही करेंगे, लेकिन मैं आपसे अभी से कह रही हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। वैसे भी कौन फोर्स कर रहा है? और रुका भाई बस अभी आई। अच्छा आपने प्रीति मासी को फोन किया? हाँ हाँ मैंने किया, एंड समी ने कहा कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट है, तो दे वुड नॉट बी एबल टू मेक इट। दैट्स राइट, हमें इस वक्त प्रीति की हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम शाम को उनके घर चलेंगे और पायल को भी ले जाएंगे। हाँ कौन सी वाली पायल? जस्ट क्लैरिफाई, ऑब्वियसली मेरी देवरानी पायल। अरे मामा बिल्कुल सही टाइम पर आए हो आप लोग। अरे गोवर्धन बाबू ये सब क्या है? मामा जी आपकी तरह कंजूस नहीं है हम लोग, रखिए। अरे जीजा जी, बेटी के ससुराल में ऐसे खाली हाथ कैसे आ जाते, वो भी आज के दिन। शीलू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। अरे आज बहू घर आ रही है तो सास तो वक्त लगाएगी ना सजने धजने में। हाँ आई आई आई, आप लोग बैठिए, कम कम कम, बैठिए 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 जी। आदि। अरे मॉम डैड बहुत जल्दी तैयार हो गए आप लोग। हाँ बहुत टाइम नहीं लग गया। अच्छा आज जल्दी उठ गए तो सबका दादा बना फिर रहा है। दूल्हे मियाँ कहाँ है? अरे दूल्हे मियाँ का तो आज बड़ा दिन है ना, तो सूट बूट में तैयार शायर होके आएंगे, वक्त तो लगेगा साहब। अपनी लत लगा दी इसने। अरे भाई दूल्हा जितनी देर से आएगा उसको उतनी अधिक इज्जत मिलेगी। So sorry to keep you all waiting. कितने अच्छे लग रहे आप लोग। और तुम? I'm so nervous. लगता है शादी की बहुत जल्दी है। इतना सज धज के आ रहे? अनुज भी अशीरा भाभी कहाँ हैं? अब मॉम बस आती होगी। Fine. Till then, let's just settle down. आइए आइए, please, let's settle. ये लो। मॉम भी आ गई। ये मेरी होने वाली बहू का नेम। एक मिनट मॉम। पे क्या कर रही? आपको इस वक्त भी मजाक करना होता है? मैं मतलब मजाक? स्टॉप इट मॉम, ये मजाक नहीं तो क्या है?
आप मुझे जानबूझकर इरिटेट करने के लिए दूसरी पहल को नेक दे रहे हैं। Excuse me, Rupert, ये मजाक नहीं हो रहा है। And what are you saying? But मैंने क्या गलत कहा बुआ? अगर मेरी शादी पंखुड़ी की कजन पायल से होने वाली है तो आप लोग आदि की कजन को नेक क्यों दे रहे हैं? क्या? What are you saying, Rupert? तुम्हारी एंगेजमेंट हमेशा मेरी भांजी के साथ होने वाली थी। What is this confusion all about? क्या कह रहा है रूबल इधर? तुम्हें तो खुद कहा था ना you like पायल। Of course आदि मैंने कहा था that I like पायल। हाँ तो। But मैं पंखुड़ी की कजन पायल के बारे में बात कर रहा था not your cousin। Wait a minute, हमें सबसे पहले इस confusion को clear कर लेना चाहिए। रूबल ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? डैड मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, ये कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आई एम वेरी श्योर अबाउट माय सेल्फ कि मैं पायल को पसंद करता हूँ, पंखुड़ी की कजन को, और उसी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए मैं एग्री हुआ था। हाँ मामा जी, मुझे भी यही लगा था कि मेरी कजन पायल के बारे में बात हो रही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल पंखुड़ी? तुमने और आदि ने एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं किया? नहीं मॉम, बातचीत की थी हमने, लेकिन ओ अब मैं समझू कि ये पंखुड़ी बार-बार गोवर्धन मामा की बात क्यों कर रही थी और उनसे मिलने क्यों जा रही थी। kind of falls in place now। और मुझे लगा कि आप शीला मामी और मामा जी मॉम डैड के घर बाकी की चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि आपकी कजिन पायल वहां रहती है। बार बार तू बोले जा रही थी कि मामी खुश है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे लगा ऑफ कोर्स मामी ही बात करी ना, शीला मामी की। अब ठीक है यार, अब हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन था तो ठीक है, पर तूने ऐसे मिसजज क्यों किया यार? आदि मैंने कुछ मिसजज नहीं किया, किसी को मिसजज नहीं किया। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे व्हेनेवर यू टू टॉक अबाउट पायल, वो पंखुड़ी की कजन पायल थी, नॉट योर कजन। और फिर वो जब रेस्टोरेंट से आया था डिनर के बाद है, तूने खुद कहा था ना मुझसे यार यू लाइक पायल। अरे तेरे साथ डिनर पे मेरी कजन गई थी ना यार। आदि रूबल भैया मेरी कजन पायल के साथ डिनर पे गए थे। आदि शी इज राइट, मैं डिनर पंखुड़ी वाली पायल के साथ गया था, बट आई डोंट नो लास्ट मिनट उसे कुछ काम आ गया एंड शी हैड टू लीव। और फिर कोइंसिडेंटली वहां मुझे तुम्हारी कजन मिली। यार ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, दिस वाज प्लान्ड। ओ अब मुझे समझ आया यार, उस दिन पंखुड़ी ने फोन करके पायल को इनवाइट क्यों नहीं किया डैड के घर। I'm sure there was this huge misunderstanding, क्योंकि पंखुड़ी ना कभी कुछ भूलती नहीं है यार। What a height of coincidence, huh? And everything just fell in place. कि किसी को कुछ भनक ही नहीं पड़ी कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। हरीश अंकल, अब जो हुआ सब हुआ, बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, मुझे पंखुड़ी की कजिन ये पायल पसंद थी और पसंद है। रूबल तुम मजाक कर रहे हो ना?
तुम मुझे परेशान करना चाहते हो राइट, इसीलिए ये सब कह रहे हो। नहीं पायल, मैं मजाक नहीं कर रहा। Everything, it was just a big misunderstanding. And I'm really sorry about that. अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने मुझे मैसेज क्यों भेजा? कौन सा मैसेज? ये मैसेज तो मैंने पंखुड़ी की कजन पायल मित्तल को किया था। तो मुझे कैसे मिला? फंड। ये तुम्हारा नंबर है राइट? फिर ये पायल मित्तल के नाम से कैसे सेव है? हदी बिलीव मी, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। ऑल दिस वाइल मैं ये समझ रहा था कि मैं पंखुड़ी की कजन से कम्युनिकेट कर रहा हूं। But please, I mean, आदि की शादी के वक्त मैंने देखा, you two were bonding. Well, that's just because she's आदि's cousin. That's why it's just making her feel comfortable. Guys, I'm really sorry. अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई गलत indications मिले, I'm sorry for that. And Payal, I know it's very unfortunate. I'm really sorry. मैं तुमसे engagement नहीं कर सकता, Payal, no. सब कुछ मेरी वजह से हो, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मुझे लगा कि मेरी कजन की बात हो रही है। यार तो खुद को ब्लेम क्यों कर रही है यार? यार हम में से किसी को रियलाइज नहीं हुआ कि तू और रूबल इस स्पाइल की बात कर रहे थे यार। वी जस्ट डिडंट गेट इट। पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। अरे बहन जी, अभी भी आप अपने बेटे के लिए सोच रही है? जरा इन दोनों बच्चों के बारे में भी तो सोचिए। और मेरी भी मती मारी गई थी जो इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी, ये अच्छी तरह से जानने के बावजूद कि दीवान हाउस में कभी भी कोई भी बात सीधे या सरल तरीके से नहीं होती है। अरे मामी, आप मेरी फैमिली को क्यों ब्लेम कर रही है? इस जैसे सिंपल केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी हो सकती थी, और इसमें पंखुड़ भी तो इन्वॉल्व है। अरे भैया, अब हमारी बेटी पे कोई दोष ना मढ़िए। गोवर्धन बाबू प्लीज, आप चीजों को खामखा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। हमें तो ये डिसाइड करना कि अब क्या करना, क्या करना क्या है भाई। पूरा का पूरा मामला पानी की तरह क्लियर है। रूबल बाबू जो है पायल को पसंद करते हैं, बात को आगे बढ़ाइए। अरे ऐसी कैसी बात आगे बढ़ाते हैं? पहले रूबल को तो कुछ कहने दीजिए ना। शीलू, अब रूबल क्या कहेगा? वैसे भी रूबल ने अपने दिल की बात तो कह ही दी है ना ऑलरेडी। एक्सक्यूज मी मिसेस गोर्धन, आई मीन क्या कहना चाहती हैं? और फिर इसका क्या? व्हाई शुड शी बी पनिश्ड? तो मेरी भतीजी को क्यों सजा मिले? गलत फहमी तो आपके परिवार में हुई है ना। मम्मा, ये ओके? अरे कोई पानी लाओ।
इसीलिए मना किया था मैंने तुम्हें। एक ही नाम होने की वजह से ये कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन अब इस बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। लेकिन अब करेंगे क्या? रूप, डॉक्टर को छोड़िए। मेरी बेटी का क्या होगा? इतने सपने देख लिए थे उसने, पर इसमें इसकी क्या गलती? सपने भी तो हमने ही दिखाए थे ना इसे। क्या कर रही हो पाए? किसे बार बार फोन लगा रही हो? बोलो तो सही कुछ। पायल, क्या हुआ बेटा? बोलो, बताओ। रोहित मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब उसने मैसेज भेजा मुझे, मैं उसे भूलकर रूप से शादी कर लूं? I just don't get it कि सपने मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रहा है, और अभी मैं उसे फोन मिला रही, तुम फोन नहीं उठा रहा। बेटा, जो हुआ सो हुआ। हमने तुमसे कहा था ना कि वो अच्छा लड़का नहीं, और अच्छी बात यह है कि समय रहते उसकी असलियत तुम्हें पता चल गई है ना? नहीं पापा, रोहित ऐसा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का है। उसने मुझसे वादा किया था और वादा तोड़ दिया। भाई साहब, मैं तो कल ही भाप गया था कि वो लड़का सही नहीं है। बेटा, अभी भी समय है, मेरी बात मान ले, रूबल का हाथ थाम के अपनी जिंदगी संवार। इससे पहले मुझे रोहित से जवाब चाहिए। क्यों बांध के रखा मुझे यहाँ पे? छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, वरना यहाँ से निकलने के बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जिसने भी मुझे यहाँ बांध के रखा है, वो सुन ले, यू गाइस कांट कीप मी अवे फ्रॉम पायल। पायल सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। कंट्रोल योरसेल्फ। एक्चुअली मुझे ही हाँ नहीं बोलना चाहिए था, पता था मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। डैड, एक्चुअली गलती सारी मेरी, मैं ही ओवर एक्साइटेड होकर ना चीजें क्रॉस चेक कर कर मैंने चीजें फिक्स कर दी हैं। शुड हैव डन दैट। रोहन, रियली सॉरी, पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की। कैसे ठीक करोगे आदि? क्या ठीक करोगे? एक विधवा माँ की बेटी के साथ ऐसा हुआ। I know. इस वक्त मेरा कुछ भी कहना won't change anything. जो कुछ भी हुआ उसे हम सब चेंज नहीं कर सकते। आंटी जी, पायल, I'm really sorry for all the confusion. चलो पायल, अब हमें यहां से चलना चाहिए। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में चले जाइएगा। नो आदि, इट्स बेटर कि हम दीदी को अपने फ्लैट में ले जाएं। जिस किसी को यहाँ रुकना है वो यहाँ रुक सकता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।